हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में आपका स्वागत है। पिछले एक साल से हम जो है पोको पोको सुनते हुए आ रहे हैं। जब से पोको F1 लॉन्च हुआ है ना, हम जो है तब से पोको F2 का ही वेट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट एक डेढ़ साल जो है निकल चुका है पोको F2 का वेट करते हुए। लेकिन अब जो है पोको अलग से एक ब्रांड बन चुका है, मतलब एक सब ब्रांड बन चुका है शाओमी का, जिसमें हम जो है बात करने वाले हैं पोको एक अलग से ब्रांड बन के क्या क्या करने वाला है। और फाइनली जो है पोको की एक नई सीरीज आ गई है जो कि है पोको X2, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल है। देखो, पोको X2 तो अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल है Redmi K30, जो कि लीक के अनुसार बताया जा रहा है कि पोको जो X2 आने वाला है वो ऑलमोस्ट जो है Redmi K30 की जैसे होगा। अब Redmi K30 होगा, Redmi K30 की जैसे होगा, दोनों में फर्क है। देखो, मुझे जो लगता है ना, Redmi K30 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि उनमें जो है थोड़ा डिफरेंस होगा। Redmi K30 और Redmi K30 Pro जो है इंडिया में जो है जल्दी लॉन्च होने वाला है। लेकिन हाँ, ये उम्मीद है पोको X2 का जो डिजाइन होगा वो सेम जो है Redmi K30 की जैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर पे जो है दो कैमरे लगाए गए हैं फ्रंट में, तो ये पूरी पूरी उम्मीद है पोको X2 जो लॉन्च होने वाला है उसमें जो है यहाँ पे फ्रंट के अंदर ड्यूअल कैमरा लगाया जाएगा, जो कि होगा कॉर्नर की साइड में Redmi K30 और Samsung के S10 Plus की जैसे। तो बस यार, यहाँ पे ये डिफरेंस निकल के आया है, ये लीक्स निकल के आया है कि यार K30 तो अलग से लॉन्च होगा ही होगा Redmi का, लेकिन Redmi K30 वाला डिजाइन जो है लिया गया है पोको के अंदर, मतलब पोको X2 के अंदर जो डिजाइन होगा वो ये वाला होगा। आपको बता दूं यार, यहाँ पे जो है डिफरेंस होगा ना, देखो X सीरीज अलग होगी पोको की, और पोको के जो F सीरीज होती है, पोको F1 जो लॉन्च हुआ था वो वाली सीरीज जो है अलग होगी। पोको F2 भी डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो यहाँ पे कब तक आएगा बताया जा रहा है कि मार्च या अप्रैल तक आने की उम्मीद है, लेकिन पोको X2 वो जो है फरवरी के अंदर जो है लॉन्च हो जाएगा। लेकिन पोको X2 डायरेक्टली, पोको X तो आया ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है, पोको X2 कब तक लॉन्च होता है। जो लीक के अनुसार निकल के आ रही है डेट वो है 15 तारीख के बाद, मतलब फरवरी के अंदर 15 तारीख के बाद लॉन्च होगा और 29 फरवरी से पहले पहले लॉन्च होगा। तो देखते हैं यार कब तक यह लॉन्च होता है। देखो, अभी कंफर्म डेट तो नहीं है, लेकिन लीक के अनुसार निकल के आई है कि ये फोन जो है लॉन्च होगा 21 फरवरी के आसपास। तो शायद होने की तो उम्मीद है लॉन्च होने की। जैसे लॉन्च होगा, हम थोड़े दिनों बाद में आपको अनबॉक्सिंग देंगे, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास नहीं आएगा। कुछ टाइम बाद में हमारे पास आएगा, जब हम परचेस करेंगे फोन को, तब हमको जो है पूरी पूरी अनबॉक्सिंग, बैटरी ड्रेन टेस्ट, कंपैरिजन बहुत सारे फोन के साथ में हम जो है दे देंगे। तब तक आप जो है वेट करना पोको X2 के लिए। तो बस सर, ये बताना था। और कुछ और रूमर्स निकल के आए हैं कि उसके अंदर जो है चिपसेट कौन सा यूज किया जाएगा, क्या यूज किया जाएगा। तो यार बताया जा रहा है कि वही होगा स्नैपड्रैगन 730G जो वाला चिपसेट है। तो यार देखते हैं कि कौन सा चिपसेट कितना अच्छा पावरफुल होता है। देखो, अगर जो है X2 के अंदर 730G वाला चिपसेट होगा तो थोड़ा एक्साइटमेंट कम है, क्योंकि यार उसका जो प्राइस अगर 14-15 हजार रुपए तक आएगा ना, तो फिर एक्साइटमेंट हमारा जो है बढ़ जाएगा। अगर वही 18-19 हजार रुपए तक आएगा तो फिर हमारा एक्साइटमेंट वही जो है डाउन रहेगा। तो बस यार, ये था आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो अपने फ्रेंड्स साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपका क्या मानना है पोको X2, पोको F2 के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।